सरकार ने मजबूर किया सानू इंसानियत नहीं हैगी कोई दिल नहीं हैगा ये भी बच्चे मोदी दे ही ने भाई बंदर बैठ के भी गल हो सकती है ना जी जी। जी अगर ये भी फैसला आपके हित में नहीं आया किसानों के हित में नहीं आया तो क्या करेंगे आप लोग आगे जावांगे अंधेरे के समय यहाँ हमारी माताएं बहनें आई हुई हैं और आज इनसे भी सुनेंगे बच्चों को छोड़ के यहाँ पहुँची हुई हैं। मैं फिलहाल खड़ा हूँ खनौरी बॉर्डर पे जो हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है और यहाँ से आगे ये 0 पॉइंट है जो पंजाब के किसानों को जाने से रोक दिया गया है और आगे जो है हरियाणा पुलिस भी और पैरामिलिट्री फोर्स भी कई टुकड़ियाँ रोड को ब्लॉक करने में आगे खड़ी हुई हैं। ये बिल्कुल आप लोग 0 पॉइंट पर खड़े हैं। मेरे पास में एक किसान वर्ग के लोग काफ़ी लोग मौजूद हैं। मैं एक दो बात इनसे लेंगे और आपके सामने रखूँगा। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जी यहाँ से आगे जाना अलाउ नहीं सर जी? नहीं ये तो हमने अपनी हदबंदी की हुई है जी जी क्योंकि आज सेंटर सरकार से मीटिंग थी जी जी इसीलिए कल इन्होंने सारा दिन गोलाबारी की जी जी वो गोलाबारी में हमारे काफ़ी किसान जख्मी हुए जी जी तो हमने अपने किसानों को इससे आगे जाना ही मना कर दिया जी लेकिन फिर भी सेंटर सरकार की ये जो फोर्स है जी ये लगातार कार्रवाई कर रही है जी जी हमारी तरफ से शांतिपूर्वक संघर्ष है जो वो चल रहा है मतलब किसानों की सेफ्टी खुद किसान ही कर रहे कि अभी जब तक कोई फैसला नहीं आता इससे आगे नहीं जाना अभी बिल्कुल ये हमने किसानों ने खुद अपने किसानों की सेफ्टी की है ना कि सरकार ने सरकार तो बिल्कुल चाहती है कि नज़दीक आए हम और आदमियों को फट्टड़ कर सके लेकिन हमारे आदमी जो शांतमयी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो शांतमयी प्रोटेस्ट ही करेंगे जी जी आज 5 बजे फैसला आना था जी मीटिंग होनी थी क्या रहा सर उसका कोई पता लगे अभी नहीं देखो अभी कोई पता नहीं चला हमारे स्टेट के जो आगू हैं प्रदेश के वो मीटिंग करें उसके बाद में मीटिंग करेंगे सरकार के बाद में हमारे फोरम मीटिंग करेंगे उसके बाद में फैसला आएगा सर जी ये फैसला 13 महीने पीछे बैठ गए 700 किसान शहीद हो गए और अब फिर जमावड़ा यही है क्या किसान हक मांगे उसके ऊपर अटैक होगा या किसानों के हित में कानून बनेगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो कब तक यहाँ बैठेंगे आप लोग देखो जब तक ये सरकारें अपने किए हुए वादे पूरे नहीं करेगी जी तब तक किसान को तो संघर्ष करना पड़ेगा जी आपने देखा पहले मोदी सरकार ने एक प्रॉमिस किया था सरकारों से हम किसानों से कर्जे माफी 15 लाख का हाँ वैसे वैसे MSP की गारंटी पे स्वामीनाथन की रिपोर्ट पे एक कमीशन भी बनाएंगे लेकिन वो जब सरकार होंद में आई तब सारे वादे इन्होंने जुटला दिए कोई वादा पूरा नहीं किया हमने 13 महीने प्रोटेस्ट किया उसमें मान गए कि हम करेंगे लेकिन फिर उसके बाद में नहीं किया जो इतनी बड़ी पुलिस फोर्स से कई हर बॉर्डरों पर जैसे वो बॉर्डर पर देख लो खिंदौरी बॉर्डर पर देख लो काफ़ी किसान जख्मी भी हुए हैं और जगह जगह डिस्ट्रिक्ट वाइज हर कहीं बैरिकेड लगाए हुए हैं फोर्स लगाई हुई है अगर ये फोर्स इतना जो सुरक्षा बल पर पैसा लगा रखा है किसानों के रोकथाम के लिए अगर यही इन्वेस्टमेंट कहीं बॉर्डर पर जाकर होती चाइना बॉर्डर पर जो एक हरियाणा पंजाब के बॉर्डर को पाकिस्तान बॉर्डर बना दिया है बड़ी मुशक्कत से आना पड़ता है आप लोगों की बात सुनने के लिए और शेयर करने के लिए तो इतना पैसा अगर वहाँ उस बॉर्डर पर लगाया जाए तो शायद हिंदुस्तान को काफ़ी बेनिफिट मिलता देखो दुर्भाग्य है हमारा सभी देशवासियों का कि हमें अपने देश में ही हमारी फोर्स का प्रोटेस्ट करने के सामने हमारी फोर्स हम पर हमला कर रही है जी। कोई भी देश ऐसा नहीं है जिस पे देश की जनता पे फोर्स अटैक करे जी। हमारे देश में पहली बार हुआ है कि मोदी सरकार हक मांगने वालों पे अटैक कर रही है जी। लेकिन ये होएगा तब तक जब तक जनता नहीं जागती जनता जागे इन जैसी सरकारों को दूर करे सत्ता से फिर हमारी कोई ना कोई बात सुन सकता है आज ये बाजू में से बिल्कुल 0 पॉइंट पे हमारी कुछ माताएं बहन और आगी हैं मैं एक दो बात इनसे भी करने की कोशिश करूँगा बिल्कुल अंधेरे के समय यहाँ हमारी माताएं बहनें आई हुई हैं और आज इनसे भी सुनेंगे बच्चों को छोड़ के यहाँ पहुँची हुई हैं घर परिवार बच्चों को छोड़ के आए हैं आप लोग सब आए हैं क्या आपकी बात सरकार तक पहुँचेगी हाँ जी तो क्या कहना चाहते हैं आप लोग असी अपना हक मंगन नू आए हैं असी अपने भरावां दे नाल खड़े साडियां मंगा पूरियां कर दो असी होर कुछ नहीं चाहते जी जी हाँ और आप हक मांगते हो आपके बच्चों पे हस्बैंडों पे लठ बरसा जाते हैं फिर उनके बारे में क्या बताओगे आप लोग उनके बारे में अही क्या बताना कोई गल नहीं असी नाल खलोते हैं जो मर्जी हो जाए अही पीछे नहीं हटना असी अगे तो चल जाएंगे पीछे नहीं अही जाना
हाँ जी साढ़े ना बहुत कुछ होन दिया वा जख्मी भी होन दे फटर भी होन दे असी अपने बच्चों नू भरावां नू संजोग पूरा देवांगे असी घर बार छड़ के आ गए जी जी हाँ जी एक दो हमारी माता बहन और भी आई हुई हैं। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी आप यहाँ से कितनी दूर पे घर है हमारी आपका खनौरी तो आए हैं जी खनौरी से बॉर्डर के नजदीक में घर आपका हाँ जी हाँ जी इतनी सारी माताएं बहन आई हुई है यहाँ पे और बच्चे जख्मी हो गए कुछ हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं और आप लोग यहाँ 0 पॉइंट पाए हैं बिल्कुल तो जो है सरकार ने मजबूर किया सानू निकम्मी सरकार ने मजबूर किया सानू जी जी ये साडे हक मान के हुण गारंटी नहीं दे रहे ये मजबूर हो के किसान बैठा आगे सड़कां दे किसी का दिल नहीं करता घर बार छड़न नू बच्चे छड़न नू बहुत मजबूर किया सरकार ने इंसानियत नहीं हैगी कोई दिल नहीं हैगा ये भी बच्चे मोदी दे ही ने भाई बंदे नाल बैठ के भी गल हो सकती है ना है बच्चे इन्ना नुकसान होने दे सरकार दा ही हो रहा ना नुकसान अभी बहन जी अगर ये फैसला जो आज मीटिंग होनी थी अगर ये भी फैसला आपके हित में नहीं आया किसानों के हित में नहीं आया तो क्या करेंगे आप लोग अगे जावांगे जितों तक साढ़े भरा जाएंगे असं उन्होंने नाल कंधा कंधा मिला के खड़े हैं हर पक्ष खड़े हैं असं और जित के रहेंगे हार मानते नहीं क्योंकि आगे 2 कदम पे हरियाणा है आगे और हरियाणा के लोग भी वहाँ काफ़ी बड़े संगठन के साथ में आपकी मदद के लिए खड़े हैं तो यहाँ से आगे अगर ये मीटिंग आपके खिलाफ आती है फैसले के जैसे किसान लोग चाहते हैं तो जबरन जाने में कोई नुकसान होएगा तो कोई गल नहीं चलेंगे फिर खास